कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंग तत्काल कर लेनी चाहिए।